हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता फ्रॉम STS विद्यापीठ. टुडे इन योर नर्सरी क्लास एंड इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर लर्निंग अबाउट द लेटर डी, कैपिटल लेटर डी एंड सम वर्ड्स रिलेटेड फ्रॉम डी. ओके, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ look and listen here carefully and please repeat after me. Okay, आप लोगों से यही request है कि आप लोग जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी वैसे ही देख कर उसे, जैसे जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी आप लोग उसे repeat करिएगा और मेरे साथ साथ बोलिएगा, जिससे आपको यह words अच्छे से learn हो जाए और आप लोग अच्छे से इसे पढ़ सके. यहाँ हम आज सीखेंगे लेटर डी के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में, मीन्स सम रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम डी. ओके, और यहाँ पर एक पोएम दी गई है आपको, वो भी हम पढ़ेंगे, पर पहले इसे दोहरा लेंगे तब इसे हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से, आप लोग भी अपनी किताब जो है ओपन कर लीजिए. जैसे जैसे यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को रीडिंग करना है. ओके, दिस इज़ ए कैपिटल लेटर डी एंड दिस इज़ ए स्मॉल लेटर डी. कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल लेटर डी एंड स्मॉल लेटर डी. ओके, डी, डी फॉर डियर, डी फॉर डियर, डियर मीन्स हिरन. डी फॉर डियर, डियर मीन्स हिरन. D double E R, deer, deer means heron. D for duck, D U C K duck, D U C K duck, duck means batak. D for duck, duck means batak. D, D for dog, D O G dog, D O G dog, dog means kutta. D for dog, dog means kutta. D, D for doll, D O double L doll, D O double L doll. यहाँ पर दो बार एक ही अल्फ़ाबेट है L, तो हम उसे डबल कहेंगे. क्या कहेंगे? डबल कहेंगे. जब एक ही जगह पे दो बार वही अल्फ़ाबेट दोहराया जाता है तो हम उसे डबल कहते हैं. D O double L doll, doll means gudiya. D, D for deer, deer means hiran. D, D for duck, duck means batak. D, D for dog, dog means kutta. D, D for doll, doll means gudiya. तो आप, हम लोगों ने इन शब्दों को दोहरा लिया है, पढ़ लिया है, आप लोग इसे अच्छे से दोहराएंगे जिससे आपको यह लर्न हो जाए. आइए चलिए हम पोएम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से बोलिएगा और इसे सीखिएगा. क्वैक क्वैक क्वैक, डक्स इन द पूल, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, वाटर इज सो कूल. क्वैक क्वैक quack, ducks in the pool, splash splash splash, water is so cool. ये quack 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 क्या है? यह जो है ये बत्तख की बोली जो होती है वो होती है quack quack quack. बत्तख बोलते हैं quack quack quack. dog कैसे बोलते हैं? dog जो है भौंकते हैं, भौं भौं करके कहते हैं वो लोग, और duck जो है quack quack करती है. ducks in the pool, ducks means बहुत सारी ducks होंगी, वो ducks जो हैं वह pool में हैं. splash splash splash, water is so cool. splash 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 क्या होगा? जब हम पानी में जो है जोर से हाथ पटकते तो एक पानी का उछाल होता है, तो उस तरीके को splash splash कह के यहाँ पर बताया गया है. वाटर इज़ सो कूल, वाटर इज़
सो कूल, पानी कितना ठंडा है। द क्वैक 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 डक्स इन द पूल, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, वाटर इज सो कूल। तो बच्चों, आप लोगों को ये पोएम भी अच्छी लगी होगी और यह वर्ड्स जो है यह भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से इसे लर्न करने आ गया होगा। अगर आप ना कर पाओ तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।